हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप अपने बिजनेस के लिए कोई बेहतर प्रोडक्ट के ज़रिए इंटरनेशनल व्यापार या फिर एक्सपोर्ट बिज़नेस शुरू कर सके और अपने बिज़नेस के साथ साथ ही अपने देश की तरक्की में योगदान दे सके। दोस्तों, इसी के चलते हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए देख सकते हो, जो आपको अपने बिज़नेस को नई दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज हम फिर से फंडामेंटल्स की बात करेंगे। बहुत से लोगों के अलग अलग क्वेश्चन हमें आते हैं, अलग अलग सवाल वो पूछते हैं, जिनका जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे आज के सवाल के बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एग्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। कई सारे लोगों ने हमें ये सवाल पूछे हैं कि हमें एक्सपोर्ट करना है या फिर इंपोर्ट करना है, अपना इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करना है, तो कौन से बैंक का रुख किया जा सकता है? बहुत से लोगों को ये दुविधा है कि हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाए या PSU में जाए या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक्स में जाए या फिर कैसी बैंक हम अपने बिजनेस के लिए चयन करें। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और जेन्युइन कंसर्न है। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं तो बैंक ये अपने बिजनेस का महत्वपूर्ण और अविभाज्य घटक है। हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैंक्स के माध्यम से ही फुलफिल होते हैं। बैंक ये हमारा मजबूत सहयोगी पार्टनर, जिसे हम कह सकते हैं। बैंक का चयन हमें बड़े ही खूबी से करना होगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हमें अगर एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो कौन सी बैंक हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है। आइए देखते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बैंक ये हमारे बिजनेस का एक अविभाज्य घटक समझा जाता है, अविभाज्य घटक माना जाता है। तो हमें बैंक का चयन करते समय कई सारे मुद्दों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहले पायदान पर है कॉस्ट, क्योंकि बैंकों के सर्विस चार्जेस भी अलग अलग है। अगर हम बैंकों के टाइप्स में देखें, इंटरनेशनल सर्विस देने वाले कई सारे बैंकों के टाइप्स आज भारत देश में अवेलेबल है उनके कस्टमर्स के लिए, जिनमें सबसे पहले है इंटरनेशनल बैंक्स, फिर उसके बाद नेशनलाइज्ड बैंक्स या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर लोकल जितने भी सारे बैंक्स हैं। उनमें से हमें उन्हीं बैंकों का चयन करना चाहिए जो रिजर्व बैंक के अथोराइज्ड डीलर बैंक्स है। जो बैंक इंटरनेशनल सर्विसेज देते हैं उन्हीं बैंकों का अगर हम चयन करें तो हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उनमें कर सकते हैं। अगर अपने किसी फेवरेट बैंक में जाना चाहते हो तो ये पहले सुनिश्चित करें कि रिजर्व बैंक की अथोराइज्ड डीलर बैंक है या फिर नहीं। अगर उस पर्टिकुलर बैंक के पास AD कोड नहीं है तो आप उनमें इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपकी कंपनी बड़ी है, आप बड़े स्केल पे ऑपरेट करना चाहते हैं, तो फिर हम रेकमेंड करेंगे कि आप इंटरनेशनल बैंक्स के थ्रू ही काम कर सकते, जैसे HSBC बैंक, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जैसे ABN एमरो बैंक। इस तरह के जो बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनमें बढ़िया फैसिलिटीज मिलते हैं। जैसे सिटी बैंक है, ये बड़े बड़े बैंक्स है जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बहुत ही पॉपुलर है, और बहुत बड़े लेवल के आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उनमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। जिनके चार्जेस अगर हम देखें तो बाकी बैंकों की तुलना में थोड़े से हायर साइड है, तो अगर आपके बिजनेस या फिर आपके फाइनेंशियल्स आपको अलाउ करते हैं इस तरह के चार्जेस बेयर करने को, तो डेफिनेटली इन बैंक्स को हम रिकमेंड कर सकते हैं। उनके साथ साथ ही अगर आप थोड़े छोटे लेवल से ऑपरेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप नेशनलाइज बैंकों में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी अपना अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, जैसे SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है या फिर पंजाब नेशनल बैंक है। इस तरह के जो बैंक्स हैं उनमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनकी भी सर्विसेज काफ़ी अच्छी है और इनकी में सिक्योरिटी बहुत बड़े तगड़े लेवल पे है। जो भारत की बड़ी बड़ी बैंक्स है
उनमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हो तो डेफिनेटली आप उनमें भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सर्विसेज के साथ साथ आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी दी जाती है इन बैंकों की तरह जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर ऑफशोर बैंकिंग के नए नए तरीके हैं, या फिर आपको जितनी भी सारी सुविधाएं मोबाइल SMS अलर्ट या जिस तरह की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर निर्भर जितनी भी सारी सर्विसेज है वो बहुत ही बढ़िया इन बैंकों में आपको मिल सकती है। जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक, इस तरह की जो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी बैंक्स है आप उनमें अकाउंट ओपन कर अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। ये सारी बैंक्स रिजर्व बैंक की ऑथोराइज डीलर भी है, इनके चार्जेस अलग अलग होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो उस पर्टिकुलर कोई भी बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट आपके लिए या फिर आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए कैसा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बैंक हर उस पड़ाव पे हमारा साथ देती है जहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन हम मुहैया करते हैं बैंकों के थ्रू। तो हमारा बैंकिंग पार्टनर ये मजबूत होना ही चाहिए हर हाल में। इस तरह से आपको अपने बैंकिंग पार्टनर से बात करनी होगी जो आपको अच्छा सपोर्ट दे और आपको आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में आपकी मदद कर सके। तो इस तरह के बैंकों से आप हमेशा एसोसिएशन बनाए रखें और ऐसी बैंक का चयन करें जो आपको आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाने में आपकी मददगार साबित हो। ये थी जानकारी बैंक्स के बारे में। तो डेफिनेटली अगर आप अपने बिजनेस के लिए अच्छे बैंक का चयन करेंगे तो आगे चलकर आपको अपना बिजनेस स्मूथली रन करने में और इसे डेवलप करने में बहुत सारे देशों में आसानी हो सकती है। तो इस तरह के आपके अगर फंडामेंटल्स आप क्लियर करेंगे, बुनियादी चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देकर ही काम करेंगे तो ही आगे चलकर आप बहुत बड़े लेवल का बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं जो आपकी तरक्की में आपकी सहायता करे और अपने देश को भी ऊंचाइयों तक लेकर जा सके। इसी के लिए हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का भी निर्माण किया हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ इस वेबसाइट के जरिए भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के बारे में जान सकते हो। इसी तरह से हमने कुछ बुक्स का भी ऑलरेडी निर्माण किया हुआ है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इस विषय को समर्पित है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो इस विषय को तो डेफिनेटली आप इन बुक्स को भी रिफ़र कर सकते हैं जो आपको आपके बिजनेस को नए आयाम देने में, नई दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट और बुक्स दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।